हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनर्स इंग्लिश। टुडे आवर टॉपिक इज ए बैलेड ला बैलेडम सेंस मर्सी बाय जॉन किट्स। ला बैलेडम सेंस मर्सी का मतलब है एक ऐसी औरत जिसके अंदर दया नहीं है। यह एक बैलेड है जिसके अंदर जॉन किट्स अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं, तो वो देखते हैं कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या रीज़न है तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है। तो वो बताता है कि मैं गारलैंड में गया था, वहाँ पर एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई थी जिसके कारण मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। तो अब इस पोएम के अंदर जाकर देखते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, वो पूछ रहा है कि तुम ऐसे बीमार से क्यों दिखाई दे रहे हो। नाइट एट आर्म्स इसका मतलब है कि घोड़े पर सवार एक आदमी, यानी कि घोड़े पर सवार एक आदमी से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसे बीमार से क्यों दिखाई दे रहे हो। अलोन एंड पेली लोइटरिंग, तुम अकेले क्यों हो और तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, तुम्हारी स्थिति ऐसी लग रही है कि जैसे कोई पेड़ किसी लेक के पास खड़ा होने के बावजूद भी सूख गया हो। विदर्ड का मतलब सूख जाना। एंड नो बर्ड सिंग, और तुम पर कोई पक्षी गा नहीं रहा है, यानी कि तुम पर कोई पक्षी नहीं बैठा है, यानी कि तुम्हारी स्थिति उस पेड़ के समान हो गई है जो कि लेक के पास खड़ा होकर भी सूख चुका है और उस पर कोई पक्षी नहीं बैठा है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, फिर से उस घुड़सवार से वो पूछ रहे हैं कि तुम बीमार से क्यों दिख रहे हो। सो हैगर्ड एंड सो वॉय बिगोन, यानी कि तुम एक जंगली भिखारी की तरह लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। द स्क्विल्स ग्रेनरी इज फुल, जो गिलहरियों का गोदाम है वो फुल हो चुका है, यानी कि गिलहरियों ने अपना खाना इकट्ठा कर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, यानी कि किसानों की फसल भी पक चुकी है, यानी कि किसानों की फसल भी हो चुकी है। आई सी ए लिली ऑन द ब्रा, ब्रा का मतलब होता है माथा, यानी कि मैंने देखा कि तुम्हारा माथा लीली के फूल की तरह पीला पड़ गया है। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, तुम्हारा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई पेनफुल फीवर हुआ है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विद दैट टू, यानी कि तुम्हारे गालों का रंग जो कभी गुलाब की तरह लाल हुआ करता था वो अब फेड होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो घुड़सवार है वो जॉन किट्स को उत्तर दे रहे हैं कि आई मेट ए लेडी इन द मिड्स, कि मैं एक औरत से मिला था घास के मैदानों में जो कि हिल साइड के ऊपर है, और वो वहाँ पर जब गया था तो वो वहाँ पर एक लेडी से मिला था। फुल ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। ए फेरीज चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे की तरह जो
फोर्ट का मतलब होता है डरावनी गुफा, यानी कि उसके बाद वो मुझे अपनी डरावनी गुफा के अंदर ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइंड फुल श्योर, और वहाँ जाकर वो इमोशनल हो गई और जोर जोर से आहें भरकर रोने लगी। एंड देयर आई सेट हर विल्ड विल्ड आइज, और तब मैंने वहाँ पर उसकी गहरी गहरी दोनों आँखों को बंद कर दिया। विद किसिस फोर, और मैंने उसे चार बार किस किया। एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप, और तब वो मुझे थपकियाँ देकर सुलाने लगी। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और तब मैं सो गया और सपने देखने लगा। आ वो ए बिटाइड, और मुझे वो सपना बहुत ज़्यादा दुखदाई लगने लगा। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, यानी कि ये मेरा पहला और आखिरी सपना था जो कि मैंने देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड, जो कि ठंडी हिल साइड में था। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने सोने के बाद जब मैं सपना देख रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर चेहरे पीले पड़े हुए राजा और राजकुमार थे, पेल वॉरियर्स, और पीले रंग के वॉरियर्स थे, डेथ पेल वर दे आल, और वो सभी ऐसे लग रहे थे कि वो मरने वाले हैं। दे क्राइड, वे चिल्लाए, ला बेले डेम सेंस मर्सी, कि ये जो औरत है इसमें दया नहीं है। दी है थिन थ्रेल, और यहाँ पर वो तुम्हें गुलाम बनाकर लाई है। आई सा देयर स्ट्रेव्ड लिप्स इन द ग्लूम, और मैंने उन लोगों के सूखे हुए होठों को देखा जो कह रहे थे विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, और उन्होंने मुझे एक वार्निंग देते हुए कहा कि तुमने खुद को पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। एंड आई अवोक, और जब मेरी नींद खुली, एंड फाउंड मी हेयर, और तब मैंने मुझे यहाँ पाया ऑन द कोल्ड हिल साइड, और इस ठंडी घाटी के अंदर मैंने खुद को पाया। इस स्टैंजा के अंदर वो बता रहा है कि मैंने तुम्हें सारे रीजन बता दिए हैं इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। एंड दिस इज वाई, और इसीलिए आई सर्जन हेयर, इसीलिए मैं ऐसी स्थिति में यहाँ पर खड़ा हूँ, अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अकेला और पीले पड़े हुए चेहरे के साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। दाउ द सेज इज वेदर्ड फ्रॉम द लेक, इसीलिए मैं उस पेड़ के समान लग रहा हूँ जो कि एक लेक के पास खड़ा होने के बावजूद भी सूखा है। एंड नो बर्ड सिंग, और उसके ऊपर बैठकर कोई पक्षी गा नहीं रहा है, यानी कि वो इस पूरी घटना को बताने के बाद पोइट को श्योर कर देता है कि मैं इस रीजन के कारण यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ इतनी बुरी घटना हुई है कि मेरी अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं बच नहीं सकता, शायद मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी औरत मिली थी जिसके अंदर कोई दया नहीं थी। यानी कि इस लाइन को उठाकर ही पोइट ने टाइटल बनाया है कि ला बेलेडम सेंस मर्सी, एक ऐसी औरत जिसके अंदर दया न हो, वो सभी लोगों को ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे उसने इस आदमी को किया था और उसकी स्थिति मरने से भी बदतर कर दी थी। सो फ्रेंड्स, हमारी ये बैलेड कंप्लीट हुई, बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।